हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शैलार यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक इंस्टा ईवी क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, ना ही इसे कोई एनुअल फी होती है, ना ही इसे कोई ज्वाइनिंग फी होती है। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। एक क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा या फिर उसके बेनिफिट्स क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों चलो तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी के। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम ईजी है, बस एक क्रेडिट कार्ड आप लोगों को FD के बेस पे मिलता है। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी है एक FD बनाने की किसी बैंक में, मतलब सॉरी एक्सिस बैंक में, तभी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। मिनिमम FD आपको 20,000 की करानी पड़ेगी, मैक्सिमम FD आपको 25 लाख तक की आप करा सकते हो। उस बेस पे आपको उस FD के 80% का लिमिट मिल जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख की FD की तो वहाँ पर आपको 80,000 का वहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आपको कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे देने की ज़रूरत है, ना ही कोई एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई ID प्रूफ देने की ज़रूरत है। आपने FD ओपन करते समय या फिर आपने एक्सिस का अकाउंट ओपन करते समय जो डिटेल्स दी, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ से ली जाएगी और आपको 100% वहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों इसका अप्रूवल 100% है, क्योंकि ये पूरी तरह से FD के बेस पे है। तो हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बेनिफिट की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आपको 100% कैश विड्रॉल लिमिट मिलता है। दोस्तों जो कुछ लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड में दिया है, पूरा का पूरा कैश आप ATM से वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ATM से कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकालें, क्योंकि उस पर आपको हायर से हायर यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे इसका जो लिमिट होता है वो आपके FD के 80% मिलता है। अगर हम दूसरे बैंक की बात की जाए तो वहाँ पे आपको इतना लिमिट नहीं मिलता है, मतलब 70% या फिर 65% लिमिट मिलता है। बिल भरने के लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलता है वो 50 दिन का टाइम पीरियड मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कोई डाइनिंग पे स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, खाना खाने के वक्त होटल में या फिर किसी जगह पे, तो वहाँ पे आपको 15% का पूरी तरह से ऑफ मिलता है। वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गए जो आप उनके वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हो, और आपको यहाँ पे गारंटेड अप्रूवल मिलता है। ये बात वहाँ पे खास है कि आपको गारंटेड अप्रूवल मिलता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके FD के बेस पे है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका कार्ड खो जाता है या फिर नेक्स्ट ईयर हो आ जाता है, तो आपको जब तक आपका FD चलता रहेगा तब तक वो कार्ड आपका चलता रहेगा। अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको वहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपका कार्ड अगर बंद हो जाता है किसी कारणवश या फिर आप उस कार्ड को ब्लॉक करके फिर से कार्ड मंगवाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे अगर आप 2500 रुपये से ज़्यादा का स्पेंड करते हो कहीं पे भी, और उस ट्रांजैक्शन को आपको EMI में कन्वर्ट करना हो, तो आप इजीली EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। 2500 रुपये से ज़्यादा का जो कुछ ट्रांजैक्शन आप करोगे इस क्रेडिट कार्ड से, उसे आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हो। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कुछ स्पेंड करोगे अमाउंट, तो उस पर आपको EDG यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप 200 रुपये का स्पेंड करते हो तो उसके ऊपर 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, और आप जब भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे 100 रिवॉर्ड पॉइंट आपको फ्री में दिए जाते हैं। यही कुछ इसके बेनिफिट्स से और यही कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर आप जॉब नहीं करते, ना ही आपका इनकम इतना बड़ा है कि आप RTR भरते हो, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। आप एक FD बना के इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर आपने आपको 2 साल की FD बनाई और 1.5 साल इसका यूज़ करते हो, तो इसके बेस पे आपको कोई भी दूसरा बैंक सामने से क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है। दोस्तों बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।